बात अगर पकौड़े की करें या फिर स्वादिष्ट मिठाइयों की, ये सारे लजीज पकवान बेसन के बिना अधूरे हैं। बेसन में उच्च फाइबर मौजूद होता है और इसके अनगिनत फायदे की वजह से बेसन की डिमांड हमेशा बनी रहती है। अगर आप भी चाहते हैं बेसन का व्यापार करना तो आप बेसन मिल शुरू कर ये काम कर सकते हैं और इस मिल को शुरू करने में हम आपकी मदद करेंगे। तो चलिए जानते हैं बेसन बनाने के प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस, बेसन चने की दाल से बनता है, इसलिए पहले मार्केट से चने की दाल खरीदनी होती है। इसके बाद दाल की क्वालिटी चेक होती है। क्वालिटी इंस्पेक्शन के बाद पल्वराइजर मशीन, जिसे यूजुअली हम हैमर मिल भी कहते हैं, की मदद से दाल को पीस लिया जाता है। दाल पीसने के बाद उसकी सीविंग की जाती है। सीविंग के बाद पैकेजिंग मशीन से बेसन की पैकिंग की जाती है। अब बात कर लेते हैं रॉ मटेरियल्स और मशीन्स की। रॉ मटेरियल, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको रॉ मटेरियल के तौर पर चना दाल की जरूरत होगी। मशीन्स में आपको हैमर मिल और पैकेजिंग मशीन की आवश्यकता होगी। इलेक्ट्रिसिटी एंड एरिया, इस व्यवसाय के सेमी ऑटोमेटिक प्लांट के लिए आपको 20 से 22 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी लोड की जरूरत पड़ेगी। बात अगर एरिया की करें तो इस व्यवसाय को आप 2000 स्क्वायर फीट एरिया के साथ शुरू कर सकते हैं। मैन पावर, इस व्यवसाय को आप 6 से 8 मैन पावर के साथ शुरू कर सकते हैं, जिसमें ऑपरेटर, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर, एडमिन और सेल्स मैनेजर आदि शामिल है। इन्वेस्टमेंट, बात अगर इन्वेस्टमेंट की करें तो इस व्यवसाय के सेमी ऑटोमेटिक प्लांट और मशीनरी की टोटल कॉस्ट 10 लाख प्लस जीएसटी पड़ेगी। साथ ही आपको कोर प्लांट, मशीनरी, मिसलेनियस टूल्स के साथ साथ इक्विपमेंट की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये आपके ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक प्लांट पर डिपेंड करता है। आइए अब जानते हैं इस व्यवसाय को स्थापित करने पर आने वाली लागत और उससे होने वाले मुनाफे के बारे में। एक्सपेक्टेड मंथली टर्नओवर, बात करें मंथली टर्नओवर की, तो अगर आप 100% कैपेसिटी पर डेली 8 घंटे की शिफ्ट में काम कर रहे हैं तो इस हिसाब से आप लगभग 5 लाख से 6 लाख महीने की सेल कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड मंथली प्रॉफिट, वही अगर बात करें मंथली फैक्ट्री एक्सपेंसेस, सेल्स एंड एडमिन एक्सपेंसेस को अगर डिडक्ट कर दिया जाए तो आप लगभग 80,000 से 90,000 रुपए महीने में कमा सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, फिगर के व्यवसाय के साइज, प्रकार और आपके इन्वेस्टमेंट के अनुसार बढ़ या घट सकते हैं। लाइसेंसेस, इस बिजनेस में आपको कुछ लाइसेंस की जरूरत होगी, जैसे जीएसटी, उद्यम, FSSAI, ट्रेडमार्क, स्कीम्स एप्लीकेबल, PMFME, स्टैंड अप इंडिया, PMEGP,